हेलो गाइस, दिस इज़ विक्रम और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एम्पलीफायर लेकर आया हूँ। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या अभी तक आप वो पुराना वाला एम्पलीफायर ही यूज़ कर रहे हैं? अगर यस, तो आज आप लोगों के लिए एक ऐसा एम्पलीफायर लाया हूँ जो कि बहुत तगड़ा, बहुत शानदार और बहुत ही रेनाउंड है, जिसका नाम ऑलरेडी मार्केट में है। इसका आगे का वर्जन आ गया है। ये एम्पलीफायर है 1602। इसका मॉडल मैं आपको बताता हूँ, ADMT 1602 1602 एम्पलीफायर आ चुका है। ये एम्पलीफायर पहले से ज़्यादा पावरफुल, पहले से ज़्यादा तगड़ा, पहले से ज़्यादा बड़ा और पहले से ज़्यादा क्या बोलेंगे इफेक्टिव बजने के लिए आ गया है। इसका प्राइसिंग पहले से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ये सब इसकी क्वालिटी के सामने सब चीज़ें चलती हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूं आज ऑडियो टोन की ओर से ADMT 1602। ये एक सबसे नया यानी कि लेटेस्ट आया हुआ मॉडल है। ये उसी का आगे का वर्जन है, जो एम्पलीफायर आप पहले देखते थे उसी का आगे का वर्जन है। 1602 नाम से आया हुआ है। इसकी पावर पहले से बड़ी है, इसकी साइज़ पहले से बड़ी है, इसका पावर कॉर्ड पहले से ज़्यादा चेंज हो गया है और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें चेंज हो गई है। अब इसमें आप 5 इंच वॉइस कॉइल के 2000 वॉट के 4 स्पीकर बहुत अच्छे से बजा सकते हैं, वो भी कंटिन्यू। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये आज इसको रिव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रीलॉन्च हो रहा है समझ के चलते हैं। दूसरा नाम चेंज हो गया इस पर, अब ये 1602 के नाम से है और ऑडियो टोन की ओर से है। अब आप लोग जो 1852 जो ऑडियो टोन का 2000 वॉट का 18 इंच का स्पीकर आता है, उसको 4 पीस के लिए हमेशा जो एम्पलीफायर आप मुझसे मांगते थे, उसकी रिक्वायरमेंट अब ये फुलफिल करेगा जो कि ऑलरेडी ऑडियो टोन का है। तो चलिए अब इस एम्पलीफायर को अनबॉक्स करके देखते हैं, रिव्यू करते हैं और इसको टेस्टिंग तक लेके चलते हैं। टेस्टिंग में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि हमने हमारा जो पुराना सेटअप था 530,000 वाला, उसके ही 2 बेस और 2 लाइनरें इस टाइप का इस पे सेटअप चेक किया है। लाइनर एक हालांकि दूसरे एम्पलीफायर पे है, बेस हमने इस वाले एम्पलीफायर पे टेस्ट किए हैं। तो ये सारा सिनेरियो आप लोग देखिए, समझिए और मिलते हैं आगे की वीडियो में। लेकिन पहले इसका प्राइसिंग बताएंगे और उससे भी पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अगर आप लोग इसे लेना चाहते हैं तो नज़दीकी डीलर से कॉन्टैक्ट कीजिए या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। ऑफिस नंबर मैं नीचे दिए देता हूँ, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दिए देता हूँ, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखना। इसका टेंटेटिव प्राइसिंग मैं आपको बता देता हूँ, 60-70,000 के बीच में आपको ये मिल जाता है और ऑल ओवर इंडिया ये अब आपको डीलर्स के पास इजीली मिल जाएगा क्योंकि इसका स्टॉक आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग बॉक्स को ओपन कर लेते हैं ताकि आप लोग इसके अंदर आने वाले कंटेंट के ऊपर गौर फरमा सकें। पॉलिथीन से निकालने के बाद आपको आउटर बॉक्स दिखेगा जिस पे कंपनी ने अपना ब्रांडिंग कर रखा है और क्योंकि ये मॉडल 1602 है तो इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको साथ में बताता चलता हूँ। ये 8 ओम्स पे आपको 1800 वॉट आउटपुट देता है, 4 ओम्स पे ये 2800 वॉट का आउटपुट आपको देता है, 2 ओम्स पे भी ये स्टेबल बोला गया है और 3500 वॉट का बड़ा आउटपुट आपको देखने को मिलता है। ये ब्रिज मोड पे भी काम करता है जिसमें 4 ओम्स में आपको ये 7000 वॉट देता है, तो इसीलिए इसे 7000 वॉट का एम्पलीफायर कहा जाता है। 8 ओम्स के ब्रिज मोड पे ये 5600 वॉट आपको देता है। पॉलिथीन से निकलने के बाद एम्पलीफायर कुछ इस टाइप का आपको दिखता है। इसका डिजाइन पुराने मॉडल जैसा ही है लेकिन ये काफी बड़ा हो चुका है। कंपनी ने ऊपर से अपना ब्रांडिंग ऑडियो टोन दे रखा है इस पे, जो कि क्लियरली विजिबल है। सेंटर साइड में एक नट दिखता है आपको जो कि टोराइडल ट्रांसफॉर्मर पे लगता है और साइड में 2 नट्स दिखते हैं जो कि पीसीबी के साथ हीट सिंक कनेक्ट करके
लगाए जाते हैं। बैक साइड में आपको होलोग्राम दिखता है और बहुत सारे सेटिंग वाले बटन दिखते हैं, जिनमें लिमिटर, सेंसिटिविटी, ऑपरेशन मोड, चैनल 1-2 के क्रॉसओवर्स और ग्राउंड का ऑप्शन दिया गया है। आउटपुट के लिए स्पीक ऑन पिन और राउंड वाले सॉकेट्स भी दिए गए हैं। फैन इसमें दिए गए हैं। क्लास एच का ये मॉडल है, जिसका डैम्पिंग फैक्टर 1300 बोला गया है। पेंट फिनिश काफी जबरदस्त है और काफी मोटी चेसी दी गई है इसे। ये एम्पलीफायर आपके लोअर वोल्टेज पे काम करने के लिए सक्षम है और लगभग 2000 वॉट के 5 इंच वॉइस कॉइल वाले 4 स्पीकर बजाने के लिए ये कैपेबल है। इसमें प्रोटेक्शन इंडिकेटर, लिमिटर, एलईडी सब कुछ दिया हुआ है। सामने का कटिंग जो है थोड़ा सा राउंड और कर्वी किया गया है, ताकि नए मॉडल का कुछ डिफरेंस मालूम पड़े। ऑडियोटोन ने सामने ब्रांडिंग, होलोग्राम और इनका मार्किंग दे रखा है। इस एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन मैं आपको साथ में पढ़ने के लिए दिए देता हूं, और कनेक्शंस के लिए आपको मैं समझा देता हूं कि इस पे हमने ये वाले 2 बेस लगाए हैं, 2 लाइनर हमने दूसरे एम्पलीफायर पे लगा रखे हैं। इस कंप्लीट सेटअप को चला रहे हैं हम लोग एक ही जेनसेट पे, और उसी पे आपको बेस, मिड और हाई सब कुछ सुनाई आने वाला है टेस्टिंग के दौरान। स्पेसिफिकेशन आप पढ़ के स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हैं, अगर आपको डिटेल बाद में देखनी है तो। क्लास एच का ये एम्पलीफायर है और इसका डैम्पिंग फैक्टर 1300 बोला गया है। 41 केजी इसका वेट है, जो कि पुराने एम्पलीफायर से थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है। हो सकता है कि आपको ये साइज में पहले से बड़ा दिख रहा हो, आपको 3U प्लस का फ्लाइट केस जैसे लगता है, यानी कि जो फ्लाइट केस पुराने एम्पलीफायर पे बैठता था उससे इसको बड़ा लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें अप्लाइड है, क्योंकि इसका पावर भी बढ़ चुका है। इस एम्पलीफायर का पावर जो है पहले से इसीलिए बढ़ाया गया क्योंकि मार्केट की रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी आ रही थी। आजकल मार्केट में जो है 4 इंच 4.5 इंच की वॉइस कॉइल के अलावा 5 इंच वॉइस कॉइल वाले भी स्पीकर चल रहे हैं, जिनका मैग्नेट 280 होता है। उनके लिए आपको बड़ा एम्पलीफायर लगता है, ज़्यादा प्रेशर वाला, ज़्यादा पावर वाला, तो वो एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट काफ़ी दिन से आ रखी थी। और कंपनी का एक फॉर्मेट चल ही रहा था इस एम्पलीफायर का मॉडल नंबर चेंज करने का, तो कंपनी ने इसीलिए 1602 कर दिया इसे। और अब ये एम्पलीफायर मार्केट में भी आ चुका है। और इसके पावर के बारे में मैं ये बताऊं कि इसका डैम्पिंग फैक्टर काफ़ी अच्छा है। इसका पावर जो है पर चैनल लगभग 2850 बोला गया है 4 ओम्स पे, जो कि काफ़ी मैसिव होता है। और ये पावर आपको एक स्टेबिलिटी देता है जब आप हायर वोल्टेज के स्पीकर इस पे चलाते हैं। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और आप लोग हेडफोन लगा के सुन लीजिए कि इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। Thank you.
कैसा लगा आप लोगों का इसका टेस्टिंग? टेस्टिंग वाले पार्ट में हमने इसे बहुत देर तक टेस्ट किया, लगभग 3-4 घंटे तो हम लोग इसे बजाते रहे। जेनसेट ने भी काफ़ी ज़्यादा तेल पिया, वो सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन टेस्टिंग में दो लाइनरे और दो बेस के साथ कहीं पे भी ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि लाइनरे ज़्यादा पावरफुल है, बेस कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल लग रहा था। इसका रीज़न है कि एक तो ऑडियो टोन का ही 1852 स्पीकर था उसमें, नया वाला मॉडल, और दूसरा उसके साथ ही साथ 1602 का एम्पलीफायर था। कहीं ना कहीं वहाँ पे टेस्टिंग पे जैसे आपने देखा मैं बैठा हुआ था, तो मुझे उसका फील आ रहा था कि ये बेस काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि पहले भी बेस कई सारे बजाए हुए हैं, टेस्टिंग देते रहते हम लोग, लेकिन इस बेस का फील मिल रहा था क्योंकि वो डैम्पिंग फैक्टर और वो पावर सामने दिख रहा था इसमें। कंपनी का बोलना है कि इसके अंदर कई सारे टाइप के प्रोटेक्शंस दिए गए हैं और वो प्रोटेक्शंस कुछ बहुत ही बेमिसाल टाइप के हैं। उनमें से एक कुछ ऐसा है कि इसमें ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है। अगर आपका वोल्टेज जेनसेट से या इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है या मे बी स्टेबलाइजर से, तो ओवर वोल्टेज होने के कारण इस एम्पलीफायर को हानि होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। दूसरा है इसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर मान के चलते हैं आप स्पीकर्स को कनेक्ट करें और आपके वायर आपस में कहीं जुड़ जाते हैं, तो उसका प्रोटेक्शन इसमें लगा हुआ है, आपके एम्पलीफायर में हानि होने के चांसेस बहुत ही कम है। इसके बाद है ओवरलोड प्रोटेक्शन। अगर आप लोग इसकी कैपेसिटी से ऊपर इसमें स्पीकर लगाते हैं और उस पर चलाते हैं, तो भी इसमें एक प्रोटेक्शन दिया गया है जो इसकी कैपेसिटी से ऊपर जाने के बाद आपको ओवरलोड दिखा देगा और एम्पलीफायर में हानि होने नहीं देगा। हालांकि हमने 2000 वॉट के स्पीकर इस पर बजाए हैं और फुल वॉल्यूम रख के बजाए हैं, जैसे कि हम लोग हर एम्पलीफायर को बजाते हैं, कहीं पे भी रेड क्लिप मुझे नहीं दिखाई आया, हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से भी इसे बजा रहा था। अड़ोस पड़ोस वाले भी बोल रहे थे कि काफ़ी आवाज़ है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं पे भी रेड क्लिप नज़र नहीं आया। ये हो सकता है कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी गई हो या इसका पावर ज़्यादा है, इसके वजह से हो सकता है। ओवरऑल एक अच्छा एम्पलीफायर एक अच्छे इकोनॉमिक बजट में आपको देखने को मिलता है, और वो जो लेगेसी थी वो लेगेसी इसने कंटिन्यू करने के लिए मार्केट में इसे लाया गया है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू गाइस।